तो आईएसएल सीजन 8 आईएसएल 2021-22 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और भाई पहला मैच होगा एटीके मोहन बगान वर्सेस केरला ब्लास्टर एफसी। पूरा टूर्नामेंट फिर से गोवा में होने वाला है, क्लोज डोर होगा और तीन ही स्टेडियम पर आपको मैच देखने को मिलेगा, तिलक मैदान स्टेडियम, फटोडा स्टेडियम और बाम्बोलिम एथलेटिक स्टेडियम। तो अभी फिलहाल जो हमारे सामने शेड्यूल और फिक्सर मौजूद है भाई, वहाँ पर हमें 9 जनवरी तक ही मिल रहा है। अभी जो नेक्स्ट फेज होगा भाई, उसका शेड्यूल सामने नहीं आया है। और आप अगर और भी बेहतर तरीके से इस फिक्सर को जानना चाहते हो तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है और पिन कमेंट पर भी आपको मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, आपको और भी बेहतर तरीके से फिक्सर के बारे में पता लग जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हर टीमों का जो पर्टिकुलर फिक्सर अभी तक सामने आया है उसके बारे में। तो आपको अगर पूरा डिटेल्स जानना है हर टीमों के बारे में, हर टीमों के फिक्सर के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एटीके मोहन बगान के बारे में। तो अभी तक भाई एटीके मोहन बगान का 10 मैचों का डेट सामने आया है। पहला मैच उनका होने वाला है 19 नवंबर को केरला ब्लास्टर एफसी के साथ फटोडा स्टेडियम पर। उसके बाद मैच होने वाला है ईस्ट बंगाल के साथ 27 नवंबर तिलक मैदान स्टेडियम पर, शाम 7:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैच होने वाला है मुंबई सिटी एफसी के साथ 1 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटोडा स्टेडियम पर। उसके बाद नेक्स्ट मैच होने वाला है जमशेदपुर एफसी के साथ 6 दिसंबर शाम 7:30 बजे बाम्बोलिम स्टेडियम पर। उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा चेन्नई एफसी के साथ 11 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटोडा स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होने वाला है बेंगलुरु एफसी के साथ 16 दिसंबर शाम 7:30 बजे बाम्बोलिम स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ 21 दिसंबर 2021 शाम 7:30 बजे फटोडा स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा एफसी गोवा के साथ 29 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटोडा स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होने वाला है हैदराबाद एफसी के साथ 5 जनवरी 2020 शाम 7:30 बजे फटोडा स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा उड़ीसा एफसी के साथ 8 जनवरी फटोडा स्टेडियम पर शाम 7:30 बजे। इसके बाद नेक्स्ट बेंगलुरु एफसी, तो बेंगलुरु एफसी का पहला मैच होने वाला है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के साथ 20 नवंबर शाम 7:30 बजे बाम्बोलिम स्टेडियम पर। उसके बाद मैच होगा उड़ीसा एफसी के साथ 24 नवंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा केरला ब्लास्टर एफसी के साथ 28 नवंबर शाम 7:30 बजे बाम्बोलिम स्टेडियम पर। उसके बाद मैच होगा मुंबई सिटी एफसी के साथ 4 दिसंबर रात 9:30 बजे एथलेटिक बाम्बोलिम स्टेडियम पर। उसके बाद हैदराबाद एफसी के साथ 8 दिसंबर मैच होगा शाम 7:30 बजे बाम्बोलिम स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा एफसी गोवा के साथ 11 दिसंबर को, और ये मैच होगा भाई रात 9:30 बजे बाम्बोलिम स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा एटीके मोहन बगान के साथ शाम 7:30 बजे 16 दिसंबर को एथलेटिक स्टेडियम पर बाम्बोलिम के। उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा जमशेदपुर एफसी के साथ 20 दिसंबर शाम 7:30 बजे बाम्बोलिम स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होने वाला है चेन्नई एफसी के साथ 30 दिसंबर को शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। उसके बाद नेक्स्ट मैच होने वाला है एससी ईस्ट बंगाल के साथ 4 जनवरी 2022 को शाम 7:30 बजे बाम्बोलिम के एथलेटिक स्टेडियम पर। नेक्स्ट देख लेते हैं चेन्नई एफसी का, तो चेन्नई एफसी का पहला मैच होने वाला है हैदराबाद एफसी के साथ 23 नवंबर को शाम 7:30 बजे बाम्बोलिम स्टेडियम पर। उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ शाम 7:30 बजे फटोडा स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होने वाला है ईस्ट बंगाल के साथ 29 दिसंबर को शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होने वाला है एटीके मोहन बगान के साथ 11 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटोडा स्टेडियम पर। उसके बाद मुंबई सिटी एफसी के साथ 15 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटोडा स्टेडियम पर। उसके बाद उड़ीसा एफसी के साथ 18 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा केरला ब्लास्टर एफसी के साथ 22 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा बेंगलुरु एफसी के साथ 30 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। उसके बाद नेक्स्ट मैच होने वाला है जमशेदपुर एफसी के साथ 2 जनवरी 9:30 बजे बाम्बोलिम स्टेडियम पर। नेक्स्ट और लास्ट मैच होने वाला है फिक्सर में एफसी गोवा के साथ 8 जनवरी 2022 रात 9:30 बजे से बाम्बोलिम एथलेटिक स्टेडियम पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एफसी गोवा के बारे में, तो एफसी गोवा का पहला मैच होने वाला है
मुंबई सिटी एफसी के साथ बहुत ही धक्कर मैच होने वाला है 22 नवंबर शाम 7:30 बजे फटाफट स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होने वाला है जमशेदपुर एफसी के साथ 26 नवंबर को शाम 7:30 बजे एथलेटिक बम्बोलिम स्टेडियम पर। उसके बाद मैच होगा नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के साथ 4 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटाफट स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होने वाला है ईस्ट बंगाल के साथ 7 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। उसके बाद बेंगलुरु एफसी के साथ 11 दिसंबर 9:30 बजे बम्बोलिम स्टेडियम पर। उसके बाद होगा हैदराबाद एफसी के साथ 18 दिसंबर 9:30 बजे एथलेटिक स्टेडियम पर बम्बोलिम के। उसके बाद ओडिशा एफसी के साथ 24 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा एटीके मोहन बगान के साथ 29 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटाफट स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा केरला ब्लास्टर एफसी के साथ 2 जनवरी 2022 को शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा चेन्नई एफसी के साथ 8 जनवरी रात 9:30 बजे बम्बोलिम एथलेटिक स्टेडियम पर। इसके बाद चलिए देख लेते हैं हैदराबाद एफसी के फिक्सर को। तो हैदराबाद एफसी अपना पहला मैच खेलने वाला है इस सीजन में चेन्नई एफसी के साथ 23 नवंबर शाम 7:30 बजे बम्बोलिम स्टेडियम पर। उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा मुंबई सिटी एफसी के साथ 27 नवंबर रात 9:30 बजे फटाफट स्टेडियम पर। उसके बाद मैच होगा जमशेदपुर एफसी के साथ 2 दिसंबर शाम 7:30 बजे बम्बोलिम एथलेटिक स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा बेंगलुरु एफसी के साथ 8 दिसंबर शाम 7:30 बजे एथलेटिक बम्बोलिम स्टेडियम पर। उसके बाद नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के साथ 13 दिसंबर शाम 7:30 बजे बम्बोलिम स्टेडियम पर। उसके बाद होगा एफसी गोवा के साथ 18 दिसंबर रात 9:30 बजे बम्बोलिम स्टेडियम पर। उसके बाद होगा ईस्ट बंगाल के साथ 23 दिसंबर शाम 7:30 बजे एथलेटिक बम्बोलिम स्टेडियम पर ही। नेक्स्ट मैच होगा ओडिशा एफसी के साथ 28 दिसंबर शाम 7:30 बजे एथलेटिक बम्बोलिम स्टेडियम पर। उसके बाद एटीके मोहन बगान के साथ 9 जनवरी शाम 7:30 बजे फटाफट स्टेडियम पर। उसके बाद आखिरी मैच होने वाला है केरला ब्लास्टर एफसी के साथ 9 जनवरी शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। इसके बाद चलिए देख लेते हैं जमशेदपुर एफसी का। तो जमशेदपुर एफसी का पहला मैच होने वाला इस सीजन में ईस्ट बंगाल के साथ 21 नवंबर को शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। उसके बाद नेक्स्ट मैच होने वाला है एफसी गोवा के साथ 26 नवंबर शाम 7:30 बजे बम्बोलिम स्टेडियम पर। उसके बाद होगा दिसंबर 2 तारीख को हैदराबाद एफसी के साथ शाम 7:30 बजे बम्बोलिम स्टेडियम पर। उसके बाद एटीके मोहन बगान के साथ 6 दिसंबर शाम 7:30 बजे बम्बोलिम स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा मुंबई सिटी एफसी के साथ 9 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटाफट स्टेडियम पर। उसके बाद उड़ीसा एफसी के साथ 14 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा बेंगलुरु एफसी के साथ 20 दिसंबर शाम 7:30 बजे बम्बोलिम एथलेटिक स्टेडियम पर। उसके बाद मैच होगा केरला ब्लास्टर एफसी के साथ 26 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा चेन्नई एफसी के साथ 2 जनवरी 2022 को रात 9:30 बजे बम्बोलिम स्टेडियम पर। और आखिरी मैच हो गया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ 6 जनवरी 2022 को शाम 7:30 बजे बम्बोलिम एथलेटिक स्टेडियम पर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं केरला ब्लास्टर एफसी का फिक्सर। तो उनका पहला मैच होने वाला है भाई एटीके मोहन बगान के साथ 19 नवंबर को ही शाम 7:30 बजे फटाफट स्टेडियम पर। उसके बाद नेक्स्ट मैच होने वाला है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के साथ 25 नवंबर शाम 7:30 बजे फटाफट स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा बेंगलुरु एफसी के साथ 28 नवंबर शाम 7:30 बजे बम्बोलिम स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा ओडिशा एफसी के साथ 5 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा ईस्ट बंगाल के साथ 12 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। उसके बाद मैच होगा मुंबई सिटी एफसी के साथ 19 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटाफट स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होने वाला है चेन्नई एफसी के साथ 22 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। उसके बाद मैच होगा जमशेदपुर एफसी के साथ 26 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। उसके बाद होगा एफसी गोवा के साथ 2 जनवरी 2022 को शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। और आखिरी मैच होने वाला है हैदराबाद एफसी के साथ 9 जनवरी शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। और इसके बाद चलिए देख लेते हैं मुंबई सिटी एफसी का। तो मुंबई सिटी एफसी का पहला मैच होने वाला है 22 नवंबर शाम 7:30 बजे एफसी गोवा के साथ फटाफट स्टेडियम पर। उसके बाद मैच होगा हैदराबाद एफसी के साथ 27 नवंबर रात 9:30 बजे फटाफट स्टेडियम पर। उसके बाद मैच होने वाला है एटीके मोहन बगान के साथ 1 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटाफट स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा बेंगलुरु एफसी के साथ 4 दिसंबर रात 9:30 बजे मैच होगा
एथलेटिक बाम्बोलिम स्टेडियम पर, उसके बाद होगा जमशेदपुर एफसी के साथ 9 दिसंबर को शाम 7:30 बजे फटोट स्टेडियम पर, उसके बाद चेन्नई एफसी के साथ 15 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटोट स्टेडियम पर, उसके बाद केरला ब्लास्टर एफसी के साथ 19 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटोट स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के साथ 27 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटोट स्टेडियम पर, उसके बाद मैच होगा ओडिशा एफसी के साथ 3 जनवरी 2022 को शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर, और आखिरी मैच होने वाला है इस फिक्स्चर में ईस्ट बंगाल के साथ 7 जनवरी शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। और इसके बाद चलिए देख लेते हैं नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का। तो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का पहला मैच होने वाला है बेंगलुरु एफसी के साथ 20 नवंबर शाम 7:30 बजे बाम्बोलिम स्टेडियम पर, उसके बाद मैच होने वाला है केरला ब्लास्टर एफसी के साथ 25 नवंबर शाम 7:30 बजे फटोट स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होने वाला है चेन्नई एफसी के साथ 19 नवंबर शाम 7:30 बजे फटोट स्टेडियम पर, उसके बाद मैच होगा एफसी गोवा के साथ 4 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटोट स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होने वाला है उड़ीसा एफसी के साथ 10 दिसंबर को शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर, उसके बाद मैच होगा हैदराबाद एफसी के साथ 13 दिसंबर शाम 7:30 बजे बाम्बोलिम स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा ईस्ट बंगाल के साथ 17 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटोट स्टेडियम पर, उसके बाद मैच होगा एटीके मोहन बागान के साथ 21 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटोट स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होने वाला है मुंबई सिटी एफसी के साथ 27 दिसंबर को शाम 7:30 बजे फटोट स्टेडियम पर, और आखिरी मैच होने वाला है जमशेदपुर एफसी के साथ 6 जनवरी शाम 7:30 बजे बाम्बोलिम एथलेटिक स्टेडियम पर। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं उड़ीसा एफसी का। तो उड़ीसा एफसी का पहला मैच होने वाला है बेंगलुरु एफसी के साथ 24 नवंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर, उसके बाद मैच होगा ईस्ट बंगाल के साथ 30 नवंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर ही, उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा केरला ब्लास्टर एफसी के साथ 5 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर, उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के साथ 10 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर, उसके बाद होगा जमशेदपुर एफसी के साथ 14 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान पर ही, उसके बाद मैच होगा चेन्नई एफसी के साथ 18 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा एफसी गोवा के साथ 24 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर, उसके बाद नेक्स्ट मैच होने वाला है हैदराबाद एफसी के साथ 28 दिसंबर शाम 7:30 बजे बाम्बोलिम स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होगा मुंबई सिटी एफसी के साथ 3 जनवरी 2022 को शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर, और आखिरी मैच होने वाला है एटीके मोहन बागान के साथ 8 जनवरी 2022 को शाम 7:30 बजे फटोट स्टेडियम पर। और आखिरी और लास्ट टीम भाई ईस्ट बंगाल को एक बार फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद अंत हो जाएगा। तो इनका पहला मैच होने वाला है 21 नवंबर को जमशेदपुर एफसी के साथ शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर, उसके बाद होगा एटीके मोहन बागान के साथ 27 नवंबर को शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर, उसके बाद मैच होने वाला है ओडिशा एफसी के साथ, ये वाला मैच होगा भाई 30 नवंबर को शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर, उसके बाद नेक्स्ट मैच होने वाला है चेन्नई एफसी के साथ 3 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर, उसके बाद होगा एफसी गोवा के साथ 7 दिसंबर शाम 7:30 बजे तिलक मैदान पर ही, उसके बाद होगा केरला ब्लास्टर एफसी के साथ 12 दिसंबर को शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। नेक्स्ट मैच होने वाला है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के साथ 17 दिसंबर शाम 7:30 बजे फटोट स्टेडियम पर, उसके बाद होगा हैदराबाद एफसी के साथ 23 दिसंबर शाम 7:30 बजे बाम्बोलिम एथलेटिक स्टेडियम पर। नेक्स्ट होगा बेंगलुरु एफसी के साथ 4 जनवरी 2022 को शाम 7:30 बजे बाम्बोलिम स्टेडियम पर, और आखिरी मैच होने वाला है मुंबई सिटी एफसी के साथ 7 जनवरी 2022 शाम 7:30 बजे तिलक मैदान स्टेडियम पर। तो ये रहा भाई सभी टीमों का पर्टिकुलर फिक्चर। अभी तक भाई सभी टीमों का 11 मैचों के बारे में ही हमें फिक्चर पता चला है। नेक्स्ट जब अनाउंस होगा फिर से मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूं, और भी नेक्स्ट भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है ISL सीजन 8 रिलेटेड, तो उन सभी को भी चेकआउट कर लेना। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।